नमस्कार, स्वागत है आपका लोक आवाज के सुपरफास्ट खबरों में। मैं हूं आपके साथ अनु मिश्रा। आइए डालते हैं देश दुनिया की तमाम सुर्खियों पर एक नजर। पटना में डाक पार्सल वैन में मिली 10 लाख की अंग्रेजी शराब, दो गिरफ्तार। गोपालगंज में पति ने की पत्नी की पीट पीट कर हत्या, तीज व्रत की तैयारी कर रही थी महिला। बिहार शरीफ कोर्ट पहुंचे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, आचार संहिता उल्लंघन मामले में पेशी। पटना में ऑटो लुटेरा गैंग का पर्दाफाश, लूट की 5 ऑटो के साथ 4 गिरफ्तार। बिहार दौरे पर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह, 23 और 24 सितंबर को पूर्णिया में करेंगे जनसभा। मुजफ्फरपुर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, बोले पीड़ित अचानक आकर तोड़ दिया घर। एनडीए में वापसी को लेकर चिराग पासवान ने क्लियर किया अपना स्टैंड, कहा जहां चाचा होंगे वहां मैं नहीं जाऊंगा। सीएम नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 8 एजेंडों पर लगी मुहर, बिहार में बढ़ेंगे बालू के दाम, बंदोबस्ती दर दोगुना करने का लिया गया फैसला। राजधानी पटना में अपराधियों का तांडव लगातार जारी, मंगलवार की सुबह पटना जंक्शन स्थित पार्क होटल के सामने छोले भटूरे की दुकान चलाने वाले एक 15 वर्षीय किशोर की जबड़े में गोली मार दी गई, उसे उपचार के लिए पीएमसीएच में दाखिल कराया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उठाया 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पहला कदम, मिशन 2024 को लेकर दिल्ली समेत अन्य प्रदेशों का दौरा करेंगे सीएम। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद सुशील कुमार मोदी ने बिहार सरकार को लेकर एक बार फिर साधा निशाना, कहा अखिलेश यादव एवं मायावती जैसा होगा सीएम नीतीश और लालू प्रसाद यादव का हाल। बेगूसराय में लगातार बढ़ रहे गंगा के जलस्तर के बीच बढ़ी लोगों की परेशानी, मंडरा रहा बाढ़ का खतरा। अजमेर में बिहार के मार्बल मजदूर की हत्या का खुलासा, मृतक के रिश्तेदारों ने दिया घटना को अंजाम। अंकिता सिंह मर्डर को लेकर झारखंड के देवघर में भी हो रहा प्रदर्शन, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने शाहरुख का पुतला फूंका, साथ ही साथ आरोपी शाहरुख को फांसी देने की कर रहे हैं मांग। 24 अक्टूबर को तेलंगाना पहुंचेगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, 366 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे राहुल गांधी। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के चुनाव दंगे से जुड़े 9 में से 8 केस बंद करने का किया आदेश, कहा इतना वक्त गुजरने के बाद सुनवाई का कोई मतलब नहीं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा बयान, 2024 में बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बेदखल करना उनकी आखिरी लड़ाई होगी। टीएमसी प्रमुख बनर्जी ने कोलकाता में एक रैली को संबोधित करने के दौरान कहा कि भाजपा को 2024 के लोकसभा चुनाव में हराना है। भारतीय अरबपति गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर बने, नेटवर्थ 11 करोड़ रुपए, वहीं 11 नंबर पर है अंबानी। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ लोक आवाज पर, और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी जरूर करें, ताकि पल पल की अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक।